अब हमें ये तो पता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ स्किन ग्लो ढलते जाता है, लेकिन मायूस होने के लिए ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाय, मैं हूँ साची और आज मैं आपको स्किन केयर हैबिट्स टू फॉलो फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे नए हो तो अभी करो सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन को रिंग करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो विद आवर लेटेस्ट ब्यूटी गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स। अब आपको CTM यानी कि क्लेंसिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के बारे में पता ही होगा, पर उसके अलावा कौन सी वो हैबिट्स है जिनसे आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हो, उनके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। नंबर 1, एक्सफोलिएट रेगुलरली। इसके लिए एक अच्छे स्क्रब को रूटीन में ऐड करना बहुत ही जरूरी है, तो ये स्क्रब स्किन को रेडिएंट बनाने में मदद करता है। लास्टली, पोर्स को साफ करते करते ये नॉन कोमेडोजेनिक है, जिसका मतलब है ये कि वो पोर्स को एप्लीकेशन के वक्त क्लॉग नहीं करता। इसे डाइम साइज अमाउंट हाथ में ले और फिर गीले चेहरे पर छोटे सर्कुलर मोशन में जेंटली अप्लाई करें। मैं इसे हफ्ते में एक बार यूज करती हूँ। दूसरी हैबिट जो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करनी चाहिए तो वो है सनस्क्रीन। डिड यू नो अबाउट 90% ऑफ विजिबल साइंस ऑफ एजिंग आर ड्यू टू सन डैमेज? शॉकिंग राइट, पर ये बिल्कुल सही है। इसलिए सनस्क्रीन को यूज करना कभी ना भूलें, भले आप इंडोर हो या आउटडोर। अब जितनी भी सनस्क्रीन मैंने यूज किया है वो या तो स्किन पे एक वाइट परत छोड़ देता है या कुछ बहुत ही ज्यादा ग्रीजी होते हैं, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। ये सनस्क्रीन आपको 5 स्किन प्रॉब्लम से बचा देता है, जैसे कि स्किन डार्कनिंग, रेडनेस, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स एंड फाइन लाइन। साथ ही ये आपको UVA और UVB दोनों ही सनरेज से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए 20 मिनट्स बाहर जाने से पहले नेक और हैंड्स पे लगा ले। और हाँ, हर 3 घंटों में इसे रीअप्लाई करें। ऑलवेज रिमूव योर मेकअप। अब इस हैबिट के बारे में मैं बात करने में कभी चुकती नहीं और थकती भी नहीं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी प्यारी बहनों, मेकअप को निकाला करो, प्लीज़ मत भूलो, क्योंकि ये ही आपको वो हेल्दी ग्लोइंग स्किन मेंटेन रखने में मदद करेगा। वैसे तो मार्केट में कई सारे माइसेलो वाटर्स के ब्रांड्स है, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर्स है, ना अल्कोहल, ना हार्श केमिकल्स और ना ही कोई एडिड परफ्यूम है। इसे यूज करने के लिए इसे बस एक कॉटन बॉल पे पो करें और फिर अच्छी तरह से पूरे फेस पे वाइप कर ले। बिकॉज ये एक नो रिंस फॉर्मूला है, जिसका मतलब है कि आपको इसे यूज करने के बाद मुंह धोना नहीं पड़ेगा। और फाइनली, रात को सोने से पहले एक अच्छा नाइट क्रीम लगाना बहुत ही जरूरी है। कम सोने से कम्प्लेक्शन डल और लाइफलेस नजर आने लगता है, स्पेशली जो हमारा डेलिकेट अंडर द आई एरिया है, उसे सोते वक्त हाइड्रेटेड रखना बहुत ही जरूरी है, वरना फिर डार्क सर्कल्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे। तो मैं एक हाइड्रेटिंग नाइट आई क्रीम ऑर्बिटल बोन एरिया पे लगाती हूँ और फिर अच्छे से इस एरिया को मसाज कर लेती हूँ। Just apply 3 dots under the eye area and 2 dots under your eyebrow. Pat the cream under the eye and then massage gently. इसके साथ साथ हाल फिलहाल में मैंने एक ओवरनाइट सीरम यूज करना शुरू किया है। अगर आप सीरम्स के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर मैंने आपके लिए एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करने वाली हूँ, डू चेक दैट आउट, अभी नहीं, ये वीडियो खत्म होने के बाद। प्रेफरेबली मैं रात के वक्त ऐसे ऑयल बेस्ड सीरम यूज करना पसंद करती हूँ जो बहुत ही लाइट वेट हो, जैसे कि आर्गन ऑयल, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी स्किन में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, यही वो चीज है जिसे आपकी स्किन ग्लोइंग नजर आएगी। पेयर्ड विद दिस सीरम इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। आप रात में सीरम लगाने के बाद फेशियल टूल्स का भी इस्तेमाल करें, लाइक जेड रोलर्स और द गुआशा। अब हमने प्रोडक्ट वाइज तो काफी कुछ कवर कर लिया है, पर मुझे लगता है कि आपको सही तरीके की स्किन का ख्याल अंदर से करना चाहिए। ऑल्सो ग्लो को बरकरार रखने के लिए आपको आपके स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखना होगा। एक अडल्ट को 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रखेगी। साथ साथ हमेशा स्किन का ख्याल रखते हुए अच्छा न्यूट्रिशनल खाना खाना चाहिए। फूड्स रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई, जिंक, ये सारी चीजें आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। एंड पानी पीना भूलना मत,
मैं तो एक ऐप यूज करती हूँ जो मुझे दिन भर रिमाइंड करता है कि ऑलवेज ड्रिंक वाटर। मेरे लिए ये काफी हेल्पफुल रहा है। और लास्टली, हफ्ते में 3 या 4 बार एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है टू बूस्ट पॉजिटिविटी एंड ब्लड सर्कुलेशन फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन। तो बस इन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जाने से पहले बी ब्यूटीफुल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को रिंग करना भी ना भूले। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।